स्पेसिफायर्स फॉर बायपोलर डिसऑर्डर तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि स्पेसिफायर्स कौन कौन से हैं बायपोलर वन डिसऑर्डर में बायपोलर टू डिसऑर्डर में यानी किस वक़्त हमने स्पेसिफाई करना है इन रेफरेंस टू कोर्स यानी एपिसोड्स कौन सी चल रही हैं सवेरिटी लेवल कौन सा चल रहा है और उसकी जो मिशन है एपिसोड की वो कौन सी है पार्शल है या फुल है सो हेर वी विल गो विद डैट थिंग नंबर वन हम पहले देखेंगे बायपोलर वन डिसऑर्डर uh, को बाइपोलर वन डिसऑर्डर के अंदर जो एपिसोड है वो मेनिया की भी हो सकती है हाइपोमेनिया की भी हो सकती है डिप्रेस भी हो सकती है तो आपने अगर एक क्लाइंट आया है और वो डिप्रेशन के साथ आया है तो आपने ये चेक करना है कि कहीं उसके अंदर प्रीवियस हिस्ट्री मेनिया की तो नहीं है अगर मेनिया की है तो आप जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो तो मेनिया की ही होगी आप लिखोगे बाइपोलर वन डिसऑर्डर करंट एपिसोड डिप्रेशन का ठीक है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर ठीक अगर उसके पास इस वक्त करंट जो एपिसोड है वो हाइपोमेनिया की है और प्रीवियस हिस्ट्री उसके पास मीनिया की है तो आप लिखोगे करंट एपिसोड हाइपोमेनिया अगर उसके प्रीवियस हिस्ट्री हाइपोमेनिया की या डिप्रेशन की है और इस वक्त जब वो आपके पास आया है तो मीनिया की है तो आप लिखोगे कि करंट एपिसोड मीनिया ठीक है इसके बाद इसका हमने कोर्स देखना है ये विद साइकोटिक फीचर्स भी हो सकता है यानी इसके अंदर डिल्यूजनस और हलूसनेशन जो हैं क्लाइंट रिपोर्ट कर सकता है आपको कि उसके अंदर हो डल्यूजन ऑफ ग्रेंडिशसिटी हो सकता है पैरानॉय ड्यूजन हो सकता है डल्यूजन ऑफ रेफरेंस हो सकता है डिल्यूजन उसके अंदर हो सकते हैं हलूसिनेशनस उसके अंदर हो सकते हैं जैसे ऑडिटरी है और फैक्ट्री है इसके साथ साथ विजुअल है सोमैटिक है तो हलूसिनेशन भी इसके अंदर हो सकते हैं इसके साथ साथ आपने देखना है के जो उसकी मूड है वो उसके सिम्टम से कॉन्ग्रेंट है या इनक्रेंट है ठीक है यानी अगर जैसा जैसी उसकी थॉट्स हैं उसका मूड भी वैसा है या मूड उसके ऑपोजिट है तो ये चीज भी आपने देखनी है देन आपने ये देखना है कि जो क्लाइंट है उसके अंदर कोई पार्शल रिमिशन या फुल रिमिशन तो नहीं है ओके okay, अब पार्शल रिमिशन क्या है पार्शल रिमिशन ये है के एपिसोड हुई और सिम उसने मेडिकेशन ली और जो सिम्टम्स हैं वो एक माह के लिए बिल्कुल एबसेंट हो गई एक माह के बाद दोबारा रियकर हो गई ये पार्शल रोमीशन है फुल रोमीशन क्या है टू मंथ्स तक बिल्कुल भी क्लाइंट के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आई दो महीने के बाद उसके अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो गई ये फुल रोमीशन है ठीक है उसके बाद आपने सवेरेटी लेवल को क्लासीफाई करना है अब सवेरेटी लेवल को आपने कैसे क्लासीफाई करना है माइल्ड लेवल पर सिम्टम्स हैं सारी मगर उसके अंदर जो एम्पेयरमेंट है फंक्शनिंग वो माइल्ड है तो उसे हम कहेंगे माइल्ड सवेरिटी लेवल स्वेयर है सिम्टम्स ऑलमोस्ट सारे मौजूद हैं फंक्शनल लेवल जो है उसका वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है तो उसको हम कहेंगे स्वेयर लेवल ठीक है फिर इन दोनों के दरमियान जो है यानी बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं कभी उससे काम हो जाते हैं कभी नहीं होते तो दैट इज़ समथिंग मॉडरेट ठीक है तो ये जो लेवल है वो भी आपने स्पेसिफाई करना है कि वो क्या है देन बाइपोलर टू डिसऑर्डर बाइपोलर टू डिसऑर्डर में हमने पहले भी बात की थी कि इसमें मेनिया का एपिसोड नहीं होता इसमें हमने स्पेसिफाई करना होता है कि करंट एपिसोड हाइपोमेनिया का है या डिप्रेशन का है ठीक है ये आपने डिफाइन करना है देन कोर्स पार्शल रिमिशन में है या फुल रिमिशन में है ये भी आपने स्पेसिफाई करना है इसी तरह जो सवेरिटी लेवल है वो माइल्ड है मॉडरेट है या सवियर है वो भी आपने डिफ़ाइन करनी है इन सब चीज़ों को डिफ़ाइन करने का मकसद क्या होता है कि दीज थिंग्स बेसिकली हेल्पफुल फॉर मैनेजिंग द मैनेजमेंट प्लान ठीक है इसकी हेल्प से पता चलेगा कि वो इस वक्त कौन सी मेडिकेशन के ऊपर है कौन सा उसका जो साइकोथेरेपी है वो इस वक्त करने की ज़रूरत है तो दीज थिंग्स नीड टू बी articulated when you discuss the the case of bipolar disorder thank you